नमस्कार दोस्तों, जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके मुताबिक नहीं हो पाती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है या फिर भगवान आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो आपकी इस गलती को यानी कि जो आपकी गलतफहमी है इसे दूर कीजिए। आज जानिए मेरी इस वीडियो के दौरान। अक्सर देखा जाता है कि आपके घर में हो या फिर आपकी फैमिली में जो भी मेंबर होते हैं काफी हद तक घुल मिलकर रहते हैं। घुल मिलने के बाद कभी ऐसा होता है कि आपको बाय चांस की जरूरत पड़ जाए किसी के और आपके समय पर वह ना आ पाए या फिर किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन आपको ये कारण नहीं पता होता, तो आपको ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि आपके जीवन में नहीं हो पाना वह कार्य सिर्फ आप भगवान पर ही आरोप लगाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वह व्यक्ति या तो बिजी होगा या फिर वह व्यक्ति को कोई जरूरी काम होगा जिसकी वजह से वह व्यक्ति आपके काम के लिए नहीं आ पाया। तो यदि आपके जीवन में कभी आपको लगता है कि आप अकेले हैं और आपको कोई नहीं समझता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने एकांत में जाकर अपने आप को समझें और जानें, ताकि अपने आप को समझ के जानने से उस व्यक्ति के बारे में भी सोच सकें कि वह व्यक्ति क्यों नहीं आ पाया। अगर आपको बाद में उसका रीजन पता चलता है कि व्यक्ति नहीं आ पाया और क्यों नहीं आ पाया, तो आप उस व्यक्ति की बात को जानकर ज्यादा अफसोस नहीं करते हैं, लेकिन उस समय जो अफसोस हुआ था वह ज्यादा ही अफसोसित होता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी याद आने पर वह समस्या ज्यादा बड़ी हो जाती है और आपको थोड़ा सा बुरा भी लगता है। यदि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी ही समस्या से घिरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि उन समस्या से आपका पीछा छूट जाए, तो जरूरी ये है कि जब भी आप अपने कार्य में कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो उसके लिए समय जरूर निकालें, लेकिन सोच समझ कर विचार करें तभी उस कार्य को करें। भगवान सब पर एक ही नजर रखता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपका जरूरी ना होकर काम किसी और का सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसकी वजह से आपका काम समय से ना होकर थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन होता जरूर है, क्योंकि जब ही होता है जब वह संभव हो। यदि संभव नहीं होता वह काम तब तक नहीं हो पाता है। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, तो उसे अपने आप को समझने के लिए थोड़ा समय दीजिए, ताकि उससे समझकर आप अपने काम को और भी बेटर बना सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।